हेलो गाइस, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाटा पंच का, जो कि ब्राउन कलर में है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोग के लिए एकदम एक्सक्लूसिव वीडियो मैं लेके आया हूँ। एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू ओवरटेक व्हील्स चैनल, जिनकी वजह से ये वीडियो आज आप लोग देख पा रहे हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ से उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसमें भी आप लोगों को सेम की मिल जाती है जैसे टाटा की सभी नॉर्मल कार्स में मिलती है। कुछ इस तरह की आप लोगों को इसमें फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलती है, जिसमें टाटा ने काफ़ी स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है। यहाँ पे आप लोगों को DRLs मिल जाते हैं, नीचे आप लोगों को इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एंड ये देखिए, और उसी के नीचे आप लोगों को एक क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है, जो कि इसकी पूरी बॉडी पर होती हुई जा रही है लेफ्ट टू राइट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। बीच में टाटा की बैजिंग एंड ट्राई एरो फ्रंट ग्रिल आप लोगों को इसमें मिल जाती है। यहाँ पे आप लोगों को हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि कुछ हद तक सेम है टाटा की हैरियर जैसे। बाकी नीचे आप लोगों को फॉग लैम्प्स भी इसमें ऑफर किए गए हैं, और जो बम्पर है वो आप लोगों को प्लास्टिक में ही मिल जाता है, ये देखिए फॉग लैम्प्स। यहाँ पे भी आप लोगों को ट्राई एरो का डिज़ाइन मिल जाता है। पूरी गाड़ी में आप लोगों को ट्राई एरो के डिज़ाइन हर जगह देखने को मिलते हैं। और बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह की है इसकी साइड प्रोफाइल, जिसमें आप लोगों को अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये टॉप XZ प्लस वेरिएंट है, तो इसलिए इसमें आप लोगों को ये अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। बाकी काफ़ी मड वगैरह लग रही है, तो मे बी आप लोग क्लियरली ना देख पा रहे हो। पर अगर आप लोग थोड़ा ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बॉडी आर्क्स देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं, एंड रियर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, जैसा कि हर एक नॉर्मल गाड़ी में होता है। बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें आप लोगों को 187, जी हाँ दोस्तों, 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। बाकी साइड में आप लोगों को इसमें साइड क्लैडिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ही मोटी है, पर इतना गंदा भी नहीं लग रही है इसकी साइड क्लैडिंग कि इसका लुक बिगाड़ दे एकदम, ऐसा भी कुछ नहीं है। बात करें अगर ड्राइवर साइड डोर की, तो उसके हैंडल पे आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किए गए हैं। ऑटो फोल्डेबल आप लोगों को ORVM मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों को इंडिकेटर मिल जाता है, एंड जो ORVM है उन पर आप लोगों को पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। एंड कुछ इस तरह की आप लोगों को इसकी रूफ मिलती है। रूफ़ में आप लोगों को सनरूफ नहीं मिलती है, मे बी इसलिए कि जिस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगी उसमें ऑफर करना काफ़ी मुश्किल है। बाकी इसमें आप लोगों को रूफ रेल ज़रूर देखने को मिल जाती है। एंड कुछ इस तरह की है इसकी टेल लाइट, ट्राई एरो डिज़ाइन में आप लोगों को इसमें टेल लाइट देखने को मिल जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह की टेल लाइट आप लोगों को इसमें ऑफर की गई है, जिसमें सबसे राइट साइड आप लोगों को इंडिकेटर मिल जाता है, एंड नीचे की तरफ आप लोगों को बैक लाइट। इस तरह की है इसकी बैक प्रोफाइल, इसमें नीचे की तरफ आप लोग काफ़ी बड़ा बड़ा पंच लिखा हुआ मिल जाता है, ये देखिए टेल लाइट जैसे अभी ऑन हो रखी है, तो ट्राई एरो डिज़ाइन आप लोग इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे। बाकी ऊपर की तरफ आप लोगों को स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को रियर वाइपर भी ऑफर किया गया है। उसी के जस्ट नीचे आप लोगों को टाटा की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये आप लोग के रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं, इसमें भी आप लोगों को ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। पंच की बैजिंग नीचे आप लोगों को नंबर प्लेट के लिए मिल जाता है, टाटा की बैजिंग, एंड इसके जस्ट नीचे आप लोगों को रियर पार्किंग से कैमरा भी देखने को मिलता है। अब चलते हैं एक बार ड्राइवर साइड की तरफ, तो इस तरह का आप लोगों को डोर मिल जाता है ड्राइवर साइड में, जो कि ड्यूअल टोन में है वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर आप लोगों को विंडोज़ के कंट्रोल, ORVMs के कंट्रोल सारे मिल जाते हैं, ये देखिए ये ORVM के कंट्रोल आपके, जिसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन आप लोगों को इसमें मिल जाता है, एंड उसके राइट साइड कुछ बटन्स मिल जाते हैं आप लोगों को लाइट्स वगैरह के। एंड कुछ इस तरह का है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि आधा एनालॉग है एंड आधा डिजिटल, जो कि सेम है एल्ट्रोज की तरह ही। टाटा पंच में आप लोगों को 3 स्पॉक स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है विद लेदर फिनिश, एंड ज़्यादातर कंट्रोल्स आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील पर मिल जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम से कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल का आप लोगों को ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ आप लोगों को लाइट से कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और लेफ्ट साइड आप लोगों को वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। टाटा पंच में आप लोगों को ड्यूअल टोन में जो डैशबोर्ड है वो ऑफर किया गया है, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि व्हाइट एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन है, एंड जो AC वेंट्स उसके चारों तरफ आप लोग क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है।
और इसी के ऊपर आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, लेकिन अगर जो एसी कंट्रोल्स हैं उनके लिए आप लोगों को कोई सेकेंडरी स्क्रीन नहीं मिलती है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को ऊपर इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही देखने को मिलेगी। बाकी ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आप लोगों को एसी में। यहाँ पे आप लोगों को 12 वोल्ट का सॉकेट ऑफर किया गया है एंड उसी के लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। ये स्टोरेज स्पेस मिल जाता है आप लोगों को, और जो ट्रांसमिशन है वो इसमें आप लोगों को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और ड्राइव मोड की बात की जाए तो इसमें आप लोग इको एंड सिटी दो मोड ऑफर किए गए हैं। एयर कूल्ड ग्लोव बॉक्स, इसमें आप लोग दो पार्ट मिल जाते हैं विद लाइट, हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स। अब चलते हैं पैसेंजर साइड एक बार, तो कुछ इतना आप लोगों को स्पेस मिलता है। पीछे भी आप लोगों को ड्यूअल टोन में मिल जाता है सब कुछ, और जो सीट्स हैं वो भी आप लोगों को ड्यूअल टोन में दी गई हैं। कुछ इस तरह का व्यू आता है पीछे से डैशबोर्ड का। बूट स्पेस की बात की जाए तो टाटा पंच में आप लोगों को 336 लीटर यानी 336 लीटर का स्पेस ऑफर किया गया है, और इसमें आप लोगों को पार्सल ट्रे भी दी गई है जो आप लोगों को स्पेयर टायर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, वो आप लोगों का स्टील रिम में होगा। इधर आप लोगों को टूल किट मिल जाती है, फर्स्ट एड किट मिल जाती है। अब बात करते हैं टाटा पंच की एकदम मेन पार्ट की, जो कि है इसका इंजन। तो इसमें आप लोगों को 1.2 लीटर का इंजन प्रोवाइड किया गया है जो कि 86 पीएस की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 6000 आरपीएम पर, और 113 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है 3300 आरपीएम पर। दोस्तों काफ़ी ही मेहनत करने के बाद मुझे ये वीडियो मिल पाई है, और काफ़ी डिटेल्स मैंने इसके लिए निकाल लिया था कि मैं आप लोगों को एकदम क्या डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकूँ। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए,